सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? Don't ask if you don't know, bro. मैं मार जो इसमें आया. I get bored really quickly. I get bored very easy. But I'm always like, what's next? What's next? Always wondering what I can do next. I want something better. I want something different. It just happened to be different. Cheating करता है तू. चीटिंग 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 करता है तू. इतनी बड़ी नकल, बताओ लोग कपड़े कॉपी करते हैं, स्टाइल कॉपी करते हैं, यहाँ तक कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में फिल्म तक कॉपी कर लेते हैं. लेकिन भाई बातें तो कोई कॉपी नहीं करता. खैर इनकी भी गलती नहीं है, ये आलिया भट्ट है. आपको पता ही होगा जब से ये फिल्म इंडस्ट्री में आई है तभी से ये अपने IQ को लेकर ट्रॉल हो रही हैं. Who is the president of India? इंदिरा गांधी. बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा. जी हाँ, हाल ही में आलिया ने फोर्ब्स के एक इवेंट में शिरकत की. नो डाउट उनका अपीयरेंस काफी अपीलिंग था और उनके कॉन्डक्ट के लिए उनकी काफी सराहना भी की गई. बहुत अप्रिशिएट हुआ पापा सर. लेकिन इतने बड़े इवेंट में भी आलिया ट्रॉल हो गई. वजह थी उनका वहां दिया गया स्टेटमेंट. लोगों का मानना है कि आलिया ने जो वहां बोला वो हूबहू रिहाना के स्टेटमेंट का कॉपी किया हुआ था. आलिया से जब उनके काम के बारे में और उनके एक्सेप्शनल काम के बारे में पूछा गया तो आलिया ने जो जवाब दिया वो रिहाना के जवाब से काफी मिलता जुलता था. आप भी सुनिए जरा. I get bored really quickly. I get bored very easy. But I'm always like, what's next? What's next? Always wondering what I can do next. I want something better. I want something different. आलिया और रिहाना के जवाब में काफी सिमिलैरिटीज हैं. हालांकि वर्ड टू वर्ड सेंटेंस मैच नहीं किया गया था लेकिन फिर भी कॉपी तो कॉपी है. वैसे ये पहली बार नहीं जब आलिया भट्ट ने किसी की कॉपी की हो. इससे पहले भी आलिया फिल्म मेकर SS राजामौली का एक स्टेटमेंट कॉपी कर चुकी हैं जब उनसे हॉलीवुड फिल्म को लेकर सवाल पूछा गया था. ग्लोब ट्रॉटिंग एडवेंचर. जी हाँ, यही वो वर्ड था जो आलिया ने SS राजामौली के इंटरव्यू से चुराया था. खैर आलिया सिर्फ शब्द या सेंटेंस नहीं कॉपी करती बल्कि पूरी की पूरी ड्रेस भी कॉपी कर लेती है. वो भी देखिए किसकी तरह कॉपी किया है, दीपिका पादुकोण. जी हाँ, रणवीर की एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका. आलिया को दीपिका का स्टाइल इतना पसंद है कि ना सिर्फ ड्रेस बल्कि लुक तक पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, यहाँ तक कि ड्रेस का कलर भी. उफ उफ उफ, ये तो हद ही हो गई है. चलिए जिसको जैसा ठीक लगे, पर अब आलिया को कम से कम अपना दिमाग लगाना चाहिए. पति देव रणवीर इतना तोल तोल के बोलते हैं और बीवी है कि बोलने के लिए भी दूसरों से कॉपी करती है. अभी तक तो IQ के लिए ही ट्रॉल होती थी, अब तो सेंटेंस कॉपी करने के लिए भी ट्रॉल होने लगी. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.